हम अपने क्लास का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी ये आपके नर्सरी क्लास की नाजरा की वीडियो क्लास है। आप सबको स्कूल की तरफ से इस तरह का नाजरे का होमवर्क मिला होगा। चलो जल्दी से होमवर्क शीट निकालें। फर्स्ट डे यानी पहले दिन पर हमने नौरानी कायदा में तहती नंबर अव्वल मुफरदात में अलिफ से शीन तक हुरूफ सीखे थे, और उसके साथ साथ हमने नमाज के सबक में सना, ताउज और तस्मिया भी सीखे थे। ये था हमारा पिछला सबक। इसके नए सबक के साथ साथ हम पिछला वाला सबक भी दोहराएंगे। दूसरे दिन पर हम नौरानी कायदे में तख्ती नंबर अव्वल मुफरदात में अलिफ से या तक सारी हुरूफ सीखेंगे, यानी मुकम्मल तख्ती, और उसके साथ साथ हम पहला कलमा भी सीखेंगे। तो चलो चलते हैं कायदा की तरफ। चलो बच्चों अपना नौरानी कायदा निकालें। हमने कल सफ़ा नंबर अव्वल पर तख्ती नंबर अव्वल हुरूफ मुफरदात में अलिफ से हा तक हुरूफ सीखे थे। आज उसके साथ साथ हम नई हुरूफ भी सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पिछला वाला सबक। तख्ती नंबर अव्वल हुरूफ मुफरदात। मुफरदात की तारीफ कल हमने सीखी थी। मुफरदात कहते हैं अलिफ से लेकर या तक सारी हुरूफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों मेरे साथ दोहराओ। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा। इसके बाद है नया सबक। चलो नए सबक की सॉरी, कल हमने शीन तक पढ़ा था। अलिफ से लेकर शीन तक हमने हुरूफ सीखे थे। इसके बाद हम नया सबक पढ़ेंगे। खौ, दाल, दाल, रा, ज़ा, सीन, शीन। इसके बाद है नया सबक। नया सबक स्वात से लेकर या तक पढ़ेंगे। स्वाद, स्वाद को हम पांच अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। इसके बाद है ज़ाद। ज़ाद को भी हम पांच अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। ज़ाद को इस तरह अदा करेंगे। ज़ाद, ज़ा, त्वा और ज़ा शक्ल में एक जैसे है, लेकिन त्वा पर नुक्ता नहीं है और ज़ा पर एक नुक्ता लगा हुआ है। इसको हम इस तरह अदा करेंगे। ज़ा। इसके बाद आइन की बारी आती है। आइन और आइन दोनों एक जैसे है, लेकिन आइन पर नुक्ता नहीं है और आइन पर एक नुक्ता है। नुक्तों की वजह से इनकी अदायगी मुख्तलिफ है। गौईन, गौईन, फा, काफ। फा को हम इस तरह अदा करेंगे, यानी ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले होंठ पर रखकर हम फा अदा करेंगे। फा, काफ को हम पांच अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। इसके बाद है काफ। काफ को हम इस तरह अदा करेंगे बिल्कुल नरम। काफ, लाम। लाम को भी हम पांच अलिफ के बराबर पढ़ेंगे, इनसे कम नहीं पढ़ेंगे। इसको इस तरह अदा करेंगे। लाम, काफ, लाम। इसके बाद है मीम। मीम को भी पांच अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। मीम, दोनों होंठों को मिलाने से मीम अदा होता है। मीम, नून। दोनों होंठों को गोल करने से नून अदा होता है। नून को हम पांच अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। नून, वाव। वाव को हम बिल्कुल साफ और वाजह पढ़ेंगे। इसके बाद है हा। हा को भी हम साफ पढ़ेंगे। हा, इन सब को हम एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। इसके बाद है हमज़ा। हमज़ा को हम बिल्कुल साफ पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। हमज़ा, हमज़ा, या,
या। चलो बच्चों अब मेरे साथ दोबारा दोहराए। तहती नंबर अव्वल हुरूफ मुफरदात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल दाल रो जा सीन शीन सोद जोद को जो गईन गईन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। तो ये था आज का हमारा सबक। तो चलो जल्दी से अब दूसरी अब वर्कशीट की तरफ चलते हैं। इसमें है कलमे। कलमों में हम पहला कलमा पढ़ेंगे यानी इस्लाम की बुनियाद पहले कलमे पर है। कलमा तैयब। तैयब के मानी है पाक। तैयब मानी पाक। पहला कलमा तैयब। तैयब मानी पाक। पहले कलमे को हम इस तरह पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा तैयब। तैयब मानी पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये था आज का हमारा कायदा और पहला कलमा तैयब। कल हम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।